ये है चेरी टमाटर, जिसे बीज उत्पादन के लिए तैयार किया गया है प्राकृतिक खेती शोध संस्था भोपाल के प्रशिक्षण प्रक्षेत्र में। ये जो टमाटर है, इस टमाटर को केवल एक बार लगाना है और इसके जो गिरते हैं, मान लो ये जो है इसके एक दो टमाटर गिरते हैं, तो अगले साल ये पुनः अपने आप उग जाता है और हर साल उगते ही रहता है एक ही जगह से बार 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 बार। तो इसकी बोनी भी केवल एक बार करनी है और सितंबर में अपने आप उगेगा और उसके बाद ये चलता है फरवरी से मार्च तक। आज है 8 मार्च 2020। अभी इसमें जो है देखिए पूरा उत्पादन आ गया है। इसको छोड़ दिया गया था इस प्लॉट को केवल बीज उत्पादन की दृष्टि से। पर्याप्त फलदार है, ये देखिए, और ग्रोथ भी बहुत है, लगभग 5 से 6 फुट, कहीं कहीं तो अगर इसको ऊंचाई पूरी मिल गई तो 10 फुट तक की ग्रोथ आ जाती है। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसकी पत्तियों में तक शानदार खुशबू रहे, वास्तविकता में यही देसी टमाटर है। 10 फला है खूब, और इतना कम से कम ये 20 बार फल चुका होगा। हम पर्याप्त तोड़ चुके हैं इसे, इसको किसान तोड़ तोड़ कर थक जाएगा, पर इसकी फलत कम नहीं होती और कोई बीमारी भी नहीं होती इसमें, केवल लगा दो। देखिए अभी भी इतनी फलत के बाद भी जो हैं पत्तियां फिर से नहीं आ गई और फिर से फलन के लिए तैयार। अगर इसको पानी मिलता रहेगा तो ये वापस चला जाएगा अप्रैल मई और जून तक चला जाएगा, मतलब फलता भी रहेगा। देखिए नीचे फल भी रहा है, पत्ती भी नहीं आ रही है, तो ऐसे लगातार इसमें फलत आती ही जाती है। तो लगभग 8 से 10 माह तक फलने वाला ये देसी बीज है। इस बीज को किसान अपने खेत पर घर के आसपास 2-4 पौधे लगा ले तो भी उसको साल भर तक खाने के लिए स्वादिष्ट खट्टी टमाटर की चटनी मिलेगी। और इसको जो है 10-20 टमाटर भी आपने, 2-4 टमाटर भी आपने डाल दिया तो स्वाद आ जाता है, और ज़बरदस्त स्वाद आता है। ये देखिए ये भी एक देसी सेम है, इसमें भी खूब फल आया है। इसको भी छत पर लगाकर और बहुत अच्छा उत्पादन, शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो छत पर ले सकते हैं स्वादिष्ट ताज़ी सब्जियाँ। देखिए ज़बरदस्त जो है अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों हो रही है।